हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम एक नई वैकेंसी के साथ आए हैं दोस्तों। तो आज हम जिस वैकेंसी की बात करेंगे वो है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें आई हुई वैकेंसी के बारे में यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और क्या यहाँ पर सैलरी वगैरह रखा गया है, क्या इंपॉर्टेंट डेट है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप बन रहे हमारे साथ, आप देख रहे हैं बीन टेक्निकल इंडियन यूट्यूब चैनल दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है, इसके साथ साथ प्राइवेट जॉब्स, ITI डिप्लोमा और बीटेक की बहुत सारी जॉब्स योजनाएं भी यहां पे बताई जाती हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बगल में होगा तो उसको भी आप ऑन कर लीजिए। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं यहां पे इसरो की आई हुई वैकेंसी के बारे में। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो वैकेंसी आई हुई है इसरो में, कौन से डिपार्टमेंट जो है वैकेंसी आई है। तो दोस्तों ये जो है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, जिसका जॉब लोकेशन दोस्तों केरल तिरुवनंतपुरम में होगा, वहाँ पे जो है इस वैकेंसी आई हुई है इसरो की तरफ से, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर दोस्तों LPSC01/2020 जो है इसका एडवर्टीजमेंट नंबर यानी कि विज्ञापन नंबर है। देन दोस्तों यहाँ पर जो सैलरी रखा गया है, यहाँ पर 56,000 से लेके 1,77,000 तक यहाँ पे सैलरी रखा गया है। ये आपका पे मैट्रिक्स है, लेवल टिल की जो है यहाँ पे सैलरी मिलेगी। देन दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे BE BTEC के कैंडिडेट जो है फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे अगर आपने BE BTEC इन मैकेनिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रखा है, इसके साथ साथ दोस्तों ME और MTEC कर रखा है, तो आप जो है यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको 65% जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है BE BTEC में, आपका एग्रीगेट जो है इतना होना चाहिए। देन दोस्तों दूसरी जो पोस्ट है इसमें जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट, इसके साथ साथ MTEC के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन दोस्तों अगली जो वैकेंसी है, जहाँ पे 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, तो यहाँ पे BE BTEC इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के कैंडिडेट, इसके साथ साथ दोस्तों MTEC जो है VLSI में जो है आपका होना चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक वाले कैंडिडेट हैं उसमें जो है मिनिमम जो है 60% रिक्वायरमेंट है, बाकी जो मैकेनिकल की पोस्ट है उसमें जो है आपका 65% यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, वो 35 साल रखी गई है। और इसका कुछ इंपॉर्टेंट डेट की बात की जाए दोस्तों, तो ये फॉर्म जो है आपका 9/11 तक जो है एलिजिबल रहेगा, मतलब आप जो है 9/11 तक जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और ये फॉर्म जो है आपका 27 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक बार मैं आपको इस पोस्ट के बारे में एक समरी दे देता हूँ। ये पोस्ट का जो एडवर्टीजमेंट नंबर है आप सामने देख सकते हैं, LPSC 01/2020 है। पोस्ट का नाम जो है साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए यहाँ पे वैकेंसियाँ रखी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे 7 है। पे स्केल दोस्तों यहाँ पे 56,000 है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन दोस्तों BE BTEC और ME MTEC रखा गया है। एज लिमिट दोस्तों यहाँ पे 35 साल रखी गई है। देन दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात किया जाए, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है कोई भी नहीं रखा गया है, यानी कि फ़्री का फॉर्म है। सिलेक्शन प्रोसीजर दोस्तों यहाँ पे रिटर्न एग्जाम होगा और इंटरव्यू के बेसिस पे जो है यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इस चैनल में आपको बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, सरकारी योजनाएं और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है आपको मिलते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।